आज हमारे पास एमआई का 32 इंच एलईडी टीवी आया है जो कि स्टक मोड में और एमआई के लोगों से आगे नहीं जा रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये है एमआई का 32 इंच एलईडी टीवी, ये हैंग मोड में है। हम इसे फैक्ट्री सेट करना चाहते हैं पर ये हो नहीं रहा है रिमोट से। हमें जितने भी सारे ट्रिक्स है सब आजमा के देखे बट नहीं हो रहा है। हम ये वीडियो में जानेंगे इसका फैक्ट्री रिसेट नहीं हो रिमोट से तो इसे रिपेयर कैसे करें या सॉल्यूशन कैसे निकालें। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि आप समझ जाएं कि अगर इनके से रियर के प्रॉब्लम में आपको मिले तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सके। ये आप देख सकते हैं एमआई का लोगो आने के बाद भी ये रुका है वही। उसके बाद गूगल का लोगो आ जाता है, गूगल का लोगो आने के बाद भी ये वही घूमता रहता है। भी जितने भी यूट्यूब पर दिखाए गए मेथड्स हैं हम सब वो इस्तेमाल करें। फर्स्ट मेथड शुरू करते हैं। पहले तो हमको टीवी पावर ऑफ मोड से, स्टैंड बाई मोड से निकालना होगा और एक ओके बटन प्लस वॉल्यूम प्लस और स्टैंड बाई का बटन दबा के देखते हो फैक्ट्री मोड पर जाता है या नहीं। अगर फिर से गूगल लोगो आए, नहीं ये भी नहीं सक्सेस है, ये ट्रिक भी कुछ काम नहीं की। नेक्स्ट ट्रिक भी ट्राई करते हैं। ये जो हमें दिखाई जाता है मोस्टली इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या गूगल सर्च में ऐसा दिखाया जाता है ओके बटन प्लस वॉल्यूम बटन प्लस स्टैंड बाय देने के बाद देखते हैं। अगर इससे भी फैक्ट्री सेट आ जाए तो अच्छा है, नहीं ये भी अनसक्सेस है। और ये थर्ड मेथड चेक करते हैं, ओके बटन और बैक का बटन, ये अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है। नहीं ये भी सक्सेस नहीं है। चलो मैं आपको हमारी एक नई ट्रिक बताता हूँ। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस टीवी को ऑफ करके ऑन करना है और उसको ऐसे गूगल वाले लोगों पर 20 से 25 मिनट तक छोड़ना है। सम टाइम वो 10-15 मिनट में ही हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली फैक्ट्री सेट या फैक्ट्री मोड ओपन हो जाता है। तो हमको रिमोट से नीचे स्वाइप करके यस करना है। उसे यस करेंगे, इरेजिंग हो रही है। ये फुल प्रोसेस है, या आप इसको स्किप मत करें ना, बीच में टीवी ऑफ करें और ये वीडियो एंड तक देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। कुछ लोग यूट्यूब पर बताते हैं कि पावर ऑफ पावर ऑन करो, ये करो वो करो, बिन फाइल, इतने करने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। एकदम सिंपल वे है। अगर टेक्नीशियन बंदा हो तो ईजी से कर पाएगा, या फिर कोई घर वाला होगा तो भी एकदम इजी से कर पाएंगे। देखते हैं, अभी रिसेट तो हो गया है। अभी रिसेट होने के बाद देखते हैं चालू होता है नहीं, या फिर सेम पोजीशन में स्टकिंग है। अगर ऐसा स्टक अगर हो भी गया इतना सब करने के बाद तो आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। और मे भी इसको इसके बाद तो कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक एकदम बेस्ट ट्रिक है सबसे, मैं आपको बता रहा हूँ। शायद से हो जाना चाहिए, हम कुछ मिनट का वेट करेंगे। इनकेस हो गया तो ठीक। हो रहा है शायद से, आपको जब लोड हो रहा हो तो आपको रिमोट को ज़रा भी टच नहीं करना है। ये एंड्रॉयड आ गया, शायद पूरी ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, सेटअप ओवर हो गया। उसके बाद वेलकम, ओके हमारा न्यू ट्रिक काम कर गए। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है रिमोट से ओके ओके करके, इंडिया सेलेक्ट करना है, देन इंडिया सेलेक्ट करना है इंग्लिश, देन वाईफाई कनेक्ट वाईफाई।
कनेक्ट वाईफाई पे जाके ओके और नीचे आके स्किप करना है, और फिर से नीचे आने के बाद वाईफाई मोड से स्किप करना है हमें, स्किप कर देंगे, एक्सेप्ट करके यस करें या नो करो कोई भी चल जाता है, और नेक्स्ट 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 देखते हैं। एग्री करने के बाद कुछ टाइम के बाद हमारा सेट चालू हो जाएगा, कुछ सेकंड का इंतज़ार करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखो, टीवी इज़ रेडी। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। शुक्रिया।